दोस्तों रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनको नारियल देती हैं और भाई भी अपनी बहन को कुछ न कुछ चीज तोहफे में गिफ्ट में देते हैं, राइट। हिंदू त्योहारों के प्रमुख त्योहारों में से ये एक रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक का त्योहार है। भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन तो देता ही है, साथ में एक प्यारा सा क्यूट सा तोहफा भी देता है बहन को। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार आज मनाया जा रहा है देश में बड़े ही धूमधाम से, अच्छा माहौल दिख रहा है। और आप भी अपनी बहन को अगर कोई गिफ्ट कोई तोहफा देने जा रहे हैं तो जरा रुकिए और सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों जिनको गिफ्ट में देना बिल्कुल अशुभ माना जाता है। वो चीजें अगर आप अपनी बहन को गिफ्ट में देते हैं तो उससे आपकी और बहन की जिंदगी में नकारात्मकता आती है, परेशानियां आ सकती हैं। एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान की माने तो कुछ चीजों से नेगेटिव एनर्जी निकलती है और इसीलिए वो चीजें कभी गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप अपनी बहन को ऐसी कोई भी नुकुली या धारदार चीज गिफ्ट में ना दें, जैसे कि चाकू या मिक्सी या वो नाइफ का सेट आता है। इसके अलावा कांच मिरर वगैरह भी आपको गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। फोटो फ्रेम्स जो भी कांच की बनी हुई है वो आप गिफ्ट में ना दें, ठीक है ना। ये चीजें बहुत अशुभ मानी जाती है। इसके साथ ही आप अपनी बहन को रूमाल तौलिया स्टोल टुवाल वगैरह ये चीजें भी तोहफे में ना दें, इनको भी अशुभ माना जाता है। साथ ही रक्षाबंधन पर बहनों को जूते सैंडल भी गिफ्ट नहीं करने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कांच अगर घड़ी में लगा हुआ ऊपर डायल पर, ज्यादातर क्लॉक जो होती है उनमें कांच रहता ही है, इसलिए घड़ियों को भी गिफ्ट में ना दें, क्योंकि घड़ी कई बार रुक जाती है खराब हो जाती है जो कि अनिश्चितता का संकेत मानी जाती है, इसलिए बहन को राखी पर घड़ी भी गिफ्ट में ना दें। अच्छा अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये भी ना दें वो भी ना दें तो फिर आखिर दें क्या बहन को गिफ्ट में, तो आप इसमें एक और काम कर सकते हैं। आप अपनी बहन को अच्छी सी कोई भी ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल परी की तरह दिखने वाली क्यूट सी ड्रेस दे सकते हैं। लेकिन यहाँ भी आप एक बात का ध्यान रखें कि काले रंग के कपड़े गिफ्ट ना करें। आजकल मतलब फैशन का दौर है और ज्यादातर ड्रेसेज भी कई बार ब्लैक एंड व्हाइट भी फैशन की ड्रेसेज देखने को मिलती है, लेकिन काले रंग की ड्रेस बिल्कुल भी गिफ्ट में ना करें, क्योंकि किसी भी त्योहार और शुभ काम पर काला रंग अशुभ माना जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ब्लैक कलर की ड्रेस भी गिफ्ट ना करें। इसके अलावा लड़कियों के लिए जो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है आपको पता होगा, मेकअप किट, जो मेकअप के सामान होते हैं उनके लिपस्टिक आईलाइनर फलाना ढिमका बहुत सारी चीजें होती है, अपने को तो याद रहती नहीं है। लेकिन मेकअप किट भी आप गिफ्ट ना करें, क्योंकि मेकअप किट में भी एक समस्या ये है कि काफी चीजें शीशे से बनी हुई होती है, कांच से बनी हुई होती है, कांच की शीशी में होती है, इसलिए ये चीजें भी गिफ्ट ना करें, क्योंकि सनातन धर्म के मुताबिक ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है और ऐसा करके आप अपनी जिंदगी में नकारात्मकता ला सकते हैं, परेशानियां आ सकती है। सबसे अच्छा जो गिफ्ट आप अपनी बहन को दे सकते हैं डिजिटल गिफ्ट भी आप दे सकते हैं। डिजिटली बोले तो आप अपनी बहन के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेकर उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, डिजिटली गोल्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड ETF का गिफ्ट दे सकते हैं, आप उनके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, आप उनको किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के दे सकते हैं, आप उनके लिए कोई स्मॉल सेविंग स्कीम्स वगैरह भी खरीद सकते हैं। अगर आपकी बहन छोटी है तो आप उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिजिटल चीजें भी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि उनको स्मार्टफोन के लिए पावर बैंक गिफ्ट कर सकते हैं, आप उनके लिए कोई स्मार्ट वॉच खरीद करके दे सकते हैं, अच्छे से ईयरफोन ईयरबड्स जो आजकल ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के आते हैं वो आप उनके लिए खरीद के दे सकते हैं, कोई OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन उनको गिफ्ट में कर सकते हैं, जैसे अमेजोन का एलेक्सा स्पीकर वगैरह, ये चीजें भी आप उन्हें दे सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ भी दो गिफ्ट में, लेकिन जो जो चीजें मैंने आपको बताई है वो चीजें ना दें, क्योंकि ज्योतिष के मुताबिक वो चीजें अशुभ मानी जाती हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको जानने मिली होगी। रक्षाबंधन से संबंधित और भी कई सारी जानकारियां आप हमारे चैनल DLS न्यूज के अलग अलग वीडियोज में देख सकते हैं, तो जाइएगा जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।